आज का हमारा यह वीडियो भारत के नए राष्ट्रपति के बारे में बनाया गया है। तो चलिए भारत के नए राष्ट्रपति के जीवन के बारे में तथा उनके संघर्षों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में बैदापोसी गांव के एक संथाल परिवार में हुआ था। पिता का नाम बिरची नारायण था। पिता तथा उनके दादा दोनों ही उस ग्राम के प्रधान रह चुके थे। उन्होंने श्याम चरण मुर्मू से विवाह किया। उनके दो बेटे और एक बेटी हुए। दुर्भाग्यवश दोनों बेटों और उनकी पति तीनों की अलग अलग समय अकाल मृत्यु हो गई। अगर उनकी बेटी की बात करें तो वह विवाहित है और इस समय वह भुवनेश्वर में रहती हैं। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन की शुरुआत किया। उसके बाद वह राजनीति में आ गई। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में रायरगंजपुर से नगर पंचायत पार्षद का चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो भाजपा के टिकट पर 2000 और 2009 में रायरंगपुर सीट से विधायक बनी और द्रौपदी मुर्मू 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर राष्ट्रपति पद तक आ पहुंचा। तो यह थी हमारे भारत के पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।